बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। मंच से ही सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे पिता के साथ छल किया, मेरे पिता ने ही समता पार्टी का गठन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने समता पार्टी को हड़प लिया। नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनका आश्रम जाने का समय आ चुका है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता बिहार के युवाओं को ठग रहे हैं, और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की भी एक तस्वीर सामने आई है। जब सम्राट चौधरी आए तो पटना की सड़कें खचाखच भरी हुई थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इसके दो सियासी पहलू भी निकाले जा रहे हैं, एक तो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है ये दिखाने की कोशिश, दूसरी तरफ विरोधियों पर भी एक तंज उन तस्वीरों के जरिए, उस भीड़ के जरिए कि हम किसी मुकाबले में कमजोर नहीं है और मुकाबला बीजेपी से करना है। मैं तो कहूंगा पूरा मुखर होकर रहिए, क्योंकि भाजपा के कृपा से लालू प्रसाद जी 90 में मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी 5 बार मुख्यमंत्री बने, तो भाजपा का कृपा था, उनका कोई कृपा नहीं है। इसलिए साथियों ये बोलते रहना है, लोग कहते हैं डरेंगे नहीं, अरे डरना कौन कहता आपको डरने के, अरे आप पाप करोगे तो जेल जाओगे, और जेल जाने का रास्ता किसने खोला ये भी समझना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं खोला है, बगले में बैठने वाला खोला है। क्योंकि पलटू कुमार जी का जो पूरा टीम है वो इसी काम में लगा रहा है। तो जानता हूं समता पार्टी, अभी आदरणीय रविशंकर जी बोल रहे थे नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, बड़ा स्पष्ट कह रहा, मेरे पिताजी ने समता पार्टी बनाया और नीतीश कुमार ने अवैध कब्जा कर लिया, उस कब्जा को उखाड़ कर फेंक देंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी और आदरणीय नड्डा जी के पूरे टीम के साथ मैं पूरा आश्वस्त करता हूं कि बिहार में भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी आपको।